तो यूट्यूब फैमिली आज बहुत ज़्यादा स्टोर पर, और जैसा कि आपने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखा होगा कि रोमन ने ऑफिशियली सैमी को ऑनरी ऊस की टी शर्ट देकर सैमी को ऑनरी ऊस बना लिया है। और सैमी जिन ने ना सिर्फ एक एक्नॉलेज किया रोमन रेंस को, बल्कि रोमन रेंस गले भी मिले सैमी से। लेकिन इस चीज़ को देख कर द फिनोमिनल वन एज स्टाइल ने सैमी जिन का मजाक उड़ाया है। तो इसलिए सैमी जिन ने टीज किया है कि वो आने वाले मंडे नाइट रॉ में पूरी ब्लड लाइन को लेकर आएंगे एजे स्टाइल से फाइट करने के लिए। और सैमी जिन के बारे में एक और न्यूज़ है कि सैमी जिन ने उसूस के पापा रिकिशी को पापा बोलना स्टार्ट कर दिया है। और इसके साथ साथ 16 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन जॉन सीना का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड इस साल टूट सकता है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पूरी मालूमात के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो इस हफ्ते ब्लड लाइन के लीडर अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन रोमन रेंस ने सैमी जिन को डरा दिया था कि सैमी जिन ब्लड लाइन के टिटे और वो दोबारा नहीं देखे। और जब सैमी जिन खुद से नहीं उतार रहे थे और जे उस उतारे, और ऐसा लग रहा था कि अब रोमन रेंस सैमी जिन को ब्लड लाइन, लेकिन फिर रोमन ने हंसते हुए और उस टी शर्ट पर ऑनररी उस लिखा हुआ ये देखकर और सैमी जिन ने एक लेकिन जब सैमी ने इस पोस्ट को उनके सोशल मीडिया पे डाला तो एजे स्टाइल ने इस पोस्ट के नीचे कमेंट करते हुए ये बोला है कि आजकल लोग एक टी शर्ट लेने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। तो सैमी जिन ने इसके रिप्लाई में लिखा कि एजे स्टाइल पहली बात तो ये कि ये ऑनरी उसकी टी शर्ट रोमन रेंस ने उन्हें गिफ्ट दी है। और सैमी ने बोला कि ये टी शर्ट डब्ल्यू की शॉप पर बहुत ज़्यादा बेक रही है। उसके बाद सैमी ने बोला कि अगर तुम ऑनरी उसकी इंसल्ट करते हो, यानी कि तुम ब्लड लाइन की इंसल्ट करते हो, और हो सकता है कि वो मंडे नाइट ड्रॉ में आए एजे स्टाइल के साथ इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। और हो सकता है अगले हफ्ते रॉ में आपको सैमी जिन वर्सेस एजे स्टाइल देखने मिल सकता है। और सैमी जिन की न्यूज़ अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए कि आपको तो पता ही होगा कि उसोस के पापा रिकिशी हैं। तो रिकिशी ने एक फोटो पोस्ट की जहाँ पे सबसे आगे रोमन, उसके पीछे उसोस और सबसे पीछे सोलो सिक्वा थे, और उन्होंने उस पोस्ट के ऊपर लिखा रन इट, यानी कि तुम लोग WWE चलाते रहो। तो सैमी जिन ने इस रिकिशी की पोस्ट पर कमेंट किया वाह पापा वाह। तो ना सिर्फ सैमी जिन रोमन और उसोस को अपना भाई मानने लगे हैं, बल्कि वो उसोस के पापा रिकिशी को भी पापा बोलने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं कि सैमी जिन और क्या क्या करते हैं टीम ब्लड लाइन के लिए। तो 16 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन जॉन सीना अब उनके मूवी करियर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि जब जॉन सीना की 20th एनिवर्सरी थी तो पे जॉन सीना एक देने के लिए रिटर्न आए और उनका कोई मैच भी अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन अगर सेना ने इस साल एक भी मैच में फाइट नहीं किया तो सेना का बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटने वाला है। और 20 सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जॉन सीना ने एक फाइट ना की हो WWE में। और क्योंकि अभी सऊदी अरेबिया में भी पेपर व्यू होने वाला है तो जॉन सीना का इसमें मैच हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जॉन सीना का एक बहुत बहुत बड़ा रिकॉर्ड साल 2022 में टूटने वाला है। और अगर जॉन सीना इस हफ्ते दोबारा से रिटर्न आए तो फिर अब
तो इस हफ्ते एक बार और हाँ WWE ने भी अनाउंस हाँ कर दिया है कि कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकइंटायर का मैच होने जा रहा है एक्सट्रीम रूल्स 2022 में, और ये मैच एक स्ट्रैप मैच होगा। और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।